हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रिचा। जैसा कि बारिशें स्टार्ट हो गई हैं तो अभी जो हम प्लांट्स लगाएंगे वो हमारे अभी जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करेंगे। तो आज हम उन प्लांट्स के बारे में आपको बताएंगे जो कि आप अभी कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं और चाहे तो प्लांट ला के भी लगा सकते हैं। जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्लांट है वो एक्सोरा का प्लांट है। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे ये छोटी वाली ड्वार्फ वैरायटी है और ये बड़ी वाली वैरायटी है। तो जो भी आपको पसंद हो, अगर ज़मीन में लगाना हो तो आप बड़ी वाली ले लें और छोटी वाली आप गमले में लगाने के लिए ले सकते हैं। इसमें बहुत से कलर्स आते हैं, आप ले सकते हैं। कटिंग के थ्रू भी ये बहुत आसानी से लग जाती है। बस इसकी डाली काट के नीचे की लीव्स हटा के और आप इसको हल्दी पाउडर में डुबो के या एलोवेरा में डुबो के लगा दें। इसमें हफ्ते भर के अंदर जड़ें निकल आएंगी और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने तो बड़ी वाली वैरायटी भी 10 से 12 इंच के गमले में लगा रखी है। इस पर पूरा डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ये मुसंडा का प्लांट है। मुसंडा भी बहुत सी वैरायटीज़ में मार्केट में अवेलेबल है। ये हमारा ड्वार्फ वाला मुसंडा है और ये वाइट कलर का है। इसमें पिंक आता है, रेड आता है। तो मुसंडा भी आप लोग ड्वार्फ वाला प्रिफर करें तो ज़्यादा बेटर है गमले में लगाने के लिए। अभी ये छोटे गमले में लगा हुआ है क्योंकि छोटा प्लांट था। अब मैं इसको अब की बार शिफ्ट करूँगी बड़े गमले में, तो उसको 10 से 12 इंच के गमले में हम लगा देंगे। इस पर भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि इसकी केयर हमें कैसे करनी है और किस तरह हम इसमें खूब सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से लग जाता है और इसको आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है सावनी का प्लांट। सावनी भी कई सारी वैरायटीज़ में आता है। ये देखिए, मरून कलर की लीव्स हैं इसकी और पर्पल फ्लावर है। मरून कलर की लीव्स में भी कई सारे फ्लावर्स के कलर्स आते हैं, पर्पल, रेड, पिंक, जो भी आप लेना चाहे वाइट ले सकते हैं। फिर ग्रीन लीव्स में भी आता है सारे कलर्स। और ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है, बड़ी वाली पेड़ वाली वैरायटी नहीं। ड्वार्फ वाली वैरायटी गमले में आसानी से लग जाती है, खूब अच्छी फ्लावरिंग करती है। प्लस ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, तो इसको भी आप ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करें। ये भी एकदम गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। ऊपर की साइड तो लीव्स दिखती ही नहीं, केवल फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते हैं, जैसा कि आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं। और फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके, तो इसको भी आप ज़रूर से ऐड करें अपने गार्डन में। ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है मधुमाल्टी का प्लांट। ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जा सकता है। ये देखिए, बड़ी वाली वैरायटीज़ है इसकी जो वेल के रूप में लगती है। ये भी आप बड़े वाले ग्रो बैग या बड़े वाले गमले में गेट के बाहर लगा सकते हैं और छत पर फैला सकते हैं। इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी भी आती है जो 10 से 12 इंच के गमले में बड़ी आसानी से लग जाती है और छोटी हाइट में ही काफ़ी फ्लावरिंग करती है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से लग जाती है और खूब फ्लावरिंग करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अडेनियम। अडेनियम भी इस समय बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और नवंबर दिसंबर के, ये तो जनवरी तक फरवरी तक भी अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है इसी तरह से। ये हमारी रोजी वाली वैरायटी है, इसमें भी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो सकता है इस सीज़न में, तो इसको भी आप ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करें। और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ में मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये भी आप ज़रूर से ऐड करें अपने गार्डन में। बस इसकी कुछ केयर ज़रूरी होती है क्योंकि एक सक्कुलेंट प्लांट है। वो आप मेरे चैनल पे डिटेल में जाके देख सकते हैं कि इसकी केयर हमें कैसे करनी है और किस तरह हमें इसमें खूब सारी फ्लावरिंग लानी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गुड़हल। गुड़हल यानी कि हिबिस्कस। ये भी इसका फ्लावरिंग टाइम है, चाहे वो देसी वाला गुड़हल हो चाहे वो हाइब्रिड वाला गुड़हल हो, कोई भी गुड़हल हो वो इस समय फ्लावरिंग करता है। अभी जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा।
तो इसको भी आप ज़रूर से ऐड करें। ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। मैंने अपने गार्डन में कई प्लांट्स कई वीडियोस में दिखाया भी कि जो मैंने कटिंग के थ्रू बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये बोगनवेलिया, ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। ये भी ड्वार्फ वैरायटी और बड़ी वैरायटी में दोनों में आता है। तो बड़ी वैरायटी आप बड़े ग्रो बैग में और या बड़े गमले में, और ड्वार्फ वाली वैरायटी आप छोटे गमले 10 से 12 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छी गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। बस इसमें पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा पानी से ये जो पेड़ है वो मर जाता है। इसकी भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये पेंटास का प्लांट। ये भी गुच्छों में खूब बढ़िया फ्लावरिंग करता है। ये भी दो कलर में मेरे पास है, एक ये मल्टी कलर वाला आप देख रहे हैं, येलो और रेड में स्टार्टिंग में, बाद में रेड हो जाता है। और दूसरा जो है वो हमारा ये देखिए प्योर येलो वाला है। ये भी बहुत सी वैरायटीज़ में आता है, ड्वार्फ में आता है और बड़ी वैरायटीज़ में आता है। तो बड़ी वाली तो ज़मीन में ही लग पाती हैं, लेकिन ये ड्वार्फ वाली वैरायटी आप ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करें। गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, उसकी ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, तो इसको भी इस समय आप ज़रूर से ऐड करें। ये भी अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेन लिली। जैसा कि बारिश का सीज़न है तो रेन लिली नहीं लगाया तो फिर क्या लगाया। ये भी देख रहे हैं आप लोग कितनी गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। ये भी बहुत सी वैरायटीज़ में अवेलेबल है, कई कलर्स में अवेलेबल है, डबल में, सिंगल में अवेलेबल है। तो जो भी आपको पसंद हो, 10 से 20 रुपए में इसके बल्ब बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। ये वैरायटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डबल वाली थोड़ी महंगी होती है, सिंगल वाली थोड़ी सस्ती होती है। तो इसको भी ज़रूर से आप अपने गार्डन में ऐड करें, बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और बारिशों में तो ये खूब अच्छे से खिलता है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसको आपको अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमारा जिस प्लांट की हम बात करेंगे वो है हमारा मधुकामिनी का प्लांट। ये भी तीन वेराइटीज़ में आता है, एक मधुकामिनी बड़ी वाली होती है, फिर मिनी कामिनी होती है जो कि आप देख रहे हैं, फिर एक होती है टेबल कामिनी। तो दोनों ही वेराइटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। ये हमारी मिनी कामिनी है, ये भी देखिए कितनी बढ़िया फ्लावरिंग कर रही है और खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है। ये भी एक कैनोपी फॉर्म कर लेती है, एक ट्री की तरह, बोनसाई की तरह हम इसको बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। और ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो सकती है, तो इसको भी आप ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसकी भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और फ्लावरिंग और खुशबू तो बेहतरीन होती है इसकी। तो कोई भी वैरायटी हो आप आसानी से गमले में अपने गार्डन में लगा सकते हैं, तो इसको भी आप ज़रूर से ऐड करें अपने गार्डन में। बहुत ही बढ़िया प्लांट है, प्लस ये शुभ भी माना जाता है, इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये प्लांट भी आप ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करें। नेक्स्ट हमारा जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे जो कि आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, वो है हमारा स्टार जास्मिन। स्टार जास्मिन यानी कि बेला, ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी भी सिंगल, डबल स्टार जास्मिन कई वेराइटीज़ आती हैं। फिर ये हो गया हमारा डबल चांदनी। डबल चांदनी हो, सिंगल चांदनी, चांदनी की कोई भी वैरायटी आप आसानी से लगा सकते हैं। ये भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है और खूब घना हो जाता है, एकदम जड़ तक में कलियां आती हैं। और ये दोनों ही प्लांट, चाहे बेला हो चाहे ये, कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो इन प्लांट्स को आप ज़रूर से ऐड करें अपने गार्डन में खूब सारी फ्लावरिंग पाने के लिए अक्टूबर नवम्बर तक अभी से लेके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं हमें ज़रूर से कमेंट करिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।